पहले अपना काम यही रहेगा, ये यूनिट ऑफ सर्विस निकालो, चाहे टन किलोमीटर निकालना है, पैसेंजर किलोमीटर निकालना है, या जो भी क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे कौन सा वाला निकालना है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं कह रखा है, तो हमको हमेशा एग्जैक्ट वाला ही निकालना है। रीज़न क्वेश्चन आपको डिटेल सब देगा। अब सब डिटेल देने के बाद भी आप कहते हो अभी कौन माता बच्ची करे, एवरेज से काम चला लेते हैं, नहीं, आपको तो एब्सोल्यूट वाला ही काम लेना है। तो लास्ट में एक नोट डाल दो, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर वाले में लिख दो नोट, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी ऑलवेज यूज, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी ऑलवेज यूज एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर्स, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी ऑलवेज यूज एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर्स। ठीक है, अब कॉस्ट शीट बनानी होगी। कॉस्ट शीट अब एक महीने की, एक साल की, जैसा भी है वो बनेगी, और फिर डिवाइडेड बाय ये जो भी अपना यूनिट ऑफ सर्विस है, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। कॉस्ट शीट में यहाँ पे इस चैप्टर में जो फॉर्मेट है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन फंक्शनल क्लासिफिकेशन के फैक्ट्री एडमिन S&D, इट इज़ सिंपली बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, वेरिएबल, फिक्स्ड, और एक और कौन आ सकता है, सेमी वेरिएबल। ओके, अब एक थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर सर्विस सेक्टर, फॉर प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और अ कॉस्ट शीट फॉर सर्विस सेक्टर, कॉस्ट आर यूजुअली कलेक्टेड एंड एक्यूमुलेटेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, एक महीना हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, एक साल हो सकता है। द कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर सर्विसेज मे बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल एज डन फॉर प्रोडक्ट कॉस्टिंग और ऑन बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। हाँ, पर ठीक है, बनती हमेशा वेरिएबिलिटी से ही है। कॉस्ट शीट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी इज प्रिपेयर्ड क्लासिफाइंग ऑल कॉस्ट इनटू 3 डिफरेंट हेड्स, एक तो फिक्स कॉस्ट, हाँ इसका दूसरा नाम क्या है, स्टैंडिंग चार्जेस, ये नाम पहले भी आया था इंश्योरेंस क्लेम्स में, लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, तो स्टैंडिंग चार्जेस, देन वेरिएबल कॉस्ट, और उसका दूसरा नाम क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और तीसरा सेमी वेरिएबल या मेंटेनेंस। फॉर एग्जाम्पल, इन अ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, irrespective of distance traveled, these costs remains fixed. अभी एग्जाम्पल है, जैसे ट्रांसपोर्ट में फिक्स में कौन सा लेंगे, आप कहेंगे वो तो हमेशा मालूम है जो चेंज नहीं होता। ट्रांसपोर्टेशन में आप कहेंगे किलोमीटर कितना ही दौड़ा लो, वो खर्चा उतना ही रहेगा। ओके, या आप कहेंगे हॉस्पिटल में भी, ठीक है, पेशेंट ज़्यादा हो चाहे कम हो, जो खर्चा उतना ही रहने वाला है, वो सब क्या हो गया, फिक्स। अब जैसे ट्रांसपोर्ट के केस में इंश्योरेंस का खर्चा, लाइसेंस फीस, हाँ बस वालों को तो लाइसेंस फीस लेनी पड़ती है ना, कि भाई इस रोड परमिट जिसको हम बोलते हैं, सैलरी टू ड्राइवर कंडक्टर क्लीनर, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ आगे, इफ़ पेड ऑन मंथली बेसिस। कई बार ड्राइवर्स की सैलरी किलोमीटर्स पर भी होती है, पायलट्स, फ्लाइंग आवर्स, ठीक है भाई, जितना ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स होगा उतना ज़्यादा उसको क्या होगा, सैलरी मिलेगा। ओके, तो अगर ड्राइवर को मंथली बेसिस पे दे रहे हो तो फिक्स, और अगर किलोमीटर्स के बेसिस पे दे रहे हैं तो वो चीज़ फिर कहाँ पर आ जाएगी, वेरिएबल के अंदर। ओके, देन हाँ मेरा तो काम पड़ा हुआ नहीं है भाई। एक क्वेश्चन में अगर आ गया कि क्लीनर पेड ऑन आर्ली बेसिस, तब आप क्या करोगे, कह दोगे क्वेश्चन गलत है, ठीक है भाई, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है ना। और क्लीनर की कई बार ये भी हो सकता है कि पर ट्रक या पर बस साफ करने का इतना पैसा मिलेगा, क्लियर, मंथली है ही नहीं, तो आउटसोर्स कर दिया भाई आपने, कि भाई हर बार गाड़ी आएगी साफ करने का इतना पैसा लेगा। ठीक है, नाउ डेप्रिसिएशन इफ रिलेटेड टू इफ्लक्स ऑफ टाइम, डेप्रिसिएशन अगर पर एनम वाली रेट है तो फिक्स में आएगा, और डेप्रिसिएशन अगर आर्स पे बेस्ड है, किलोमीटर्स पे बेस्ड है, कई बार होता है डेप्रिसिएशन इज़ बेस्ड ऑन किलोमीटर्स, तो फिर वो कहाँ पे ले लेंगे, वेरिएबल में। देन टैक्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, वेरिएबल में देखिए पेट्रोल डीजल लुब्रिकेंट ऑयल्स, वेजेस टू ड्राइवर कंडक्टर क्लीनर इफ रिलेटेड टू ऑपरेशंस, डेप्रिसिएशन इफ रिलेटेड टू एक्टिविटी, अदर वेरिएबल कॉस्ट आइडेंटिफाइड, सेमी वेरिएबल या मेंटेनेंस। एग्जाम्पल है रिपेयर मेंटेनेंस, टायर्स, स्पेयर्स,
अब सबसे लास्ट वाला हेडिंग इम्पॉर्टेंट है, द हेड्स फॉर अ कॉज मे चेंज एज पर द सिचुएशन और कंडीशन। ठीक है भाई, मतलब ये नहीं एक बार आपने कह दिया ये रिपेयर मेंटेनेंस तो सेमी वेरिएबल में था, मैं तो यहीं लिखूँगा। क्वेश्चन की फैक्ट सरकमस्टांसेस के हिसाब से आप इसको ऊपर नीचे ले जा सकते हो। क्वेश्चन ने कह दिया रिपेयर मेंटेनेंस, ठीक है, पर किलोमीटर, तो वो कहाँ चला जाएगा, वेरिएबल में। ओके, तो दैट वे क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। कई बार ये सेमी वेरिएबल वाला हेडिंग उड़ा भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है ना वो है कॉस्ट यूनिट का कैलकुलेशन। इसमें एग्जामिनर बहुत मेहनत करवाएगा, कई चक्कर कटवा देगा, ये ट्रक पहली बार गई, फिर दूसरी बार गई, फिर तीसरी बार गई, कभी इतने टन हो गए, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, बैठ के आप तो टन किलोमीटर्स बराबर निकाल लो। ओके, अच्छा, कॉस्ट शीट में खर्चा चाहे आप फिक्स में लिखोगे चाहे वेरिएबल में, अगर कैलकुलेशन सही करिए अमाउंट तो तय लिखोगे। अगर आपने पर एनम की कॉस्ट शीट बनाई और मान लीजिए जैसे ये पेट्रोल एंड फ्यूल कॉस्ट है पर किलोमीटर दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले साल भर के किलोमीटर्स निकालोगे, फिर मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालोगे। अब अमाउंट निकाल के गलती से अगर आपने वेरिएबल के बजाय सेमी वेरिएबल में भी लिख दिया चाहे फिक्स में भी लिख दिया, अमाउंट तो क्या रहेगा, वही रहेगा। तो इसलिए उतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, एग्जामिनर हो सकता है आधा नंबर काट लेगा, ठीक है भाई, अमाउंट ऊपर की जगह नीचे लिख दिया, पर अमाउंट अगर सही है तो इसलिए इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सैलरी ऑफ ड्राइवर मे बी ट्रीटेड एज स्टैंडिंग चार्जेस और रनिंग डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन एंड नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सेमी वेरिएबल। सबसे बड़ा झगड़ा यहीं पर है, आप कहेंगे रिपेयर मेंटेनेंस पर मंथ दिया हुआ है, तो अब मैं इसको सेमी वेरिएबल मानूँ कि फिक्स मानूँ, पर किलोमीटर दिया हुआ जब तो क्या हो गया, वेरिएबल ही हो गया, पर अब मैं इसको कहाँ लूँ। तो सेमी वेरिएबल के बारे में अगर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो कॉस्ट वुड बी शोन अंडर फिक्स्ड एंड वेरिएबल हेड्स ओनली, तो झगड़ा ही खत्म। क्वेश्चन कह दे रिपेयर मेंटेनेंस सेमी वेरिएबल, ठीक है भाई सेमी वेरिएबल में डाल दूंगा, नहीं कह रखा है पर मंथ दिया हुआ है कहाँ टिका सकते हो आप फिक्स में, पर किलोमीटर दिया हुआ है कहाँ डाल सकते हो वेरिएबल में, और आपने कहा नहीं रिपेयर मेंटेनेंस तो पर किलोमीटर भी गलत है पर मंथ भी गलत है, लॉजिकली क्या होगा, रिपेयर मेंटेनेंस कुछ तो मंथली कॉस्ट आती आती है चाहे गाड़ी ज़्यादा चले चाहे नहीं चले, पर अगर गाड़ी ज़्यादा चलती है तो रिपेयर मेंटेनेंस भी क्या होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इसलिए आप कहेंगे ये सेमी वेरिएबल नेचर का ही खर्चा है, तो चलो इसको हम क्या कर सकते हैं सेमी वेरिएबल में डाल दें। अब जैसे टायर का खर्चा है, ठीक है, वो कोरोना में साल साल भर लोगों की गाड़ियाँ चली नहीं तो भी टायर ख़राब हो गए, ज़्यादा जल्दी ख़राब हुए, बिकॉज टायर अगर चलता नहीं है ना तो जल्दी ख़राब हो जाता है। हाँ, जो बिल्कुल ही टायर नया है उसको ख़राब नहीं होगा, पर जो आधा चला हुआ है फिर रुक गया, ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि अब ये खर्चा टायर तो चला ही नहीं गाड़ी तो चल ही नहीं फिर भी ख़राब हो गया, तो इसलिए अब मैं इसको प्योरली वेरिएबल भी नहीं कह सकता, प्योरली फिक्स भी नहीं कह सकता, आप कहेंगे नेचर क्या हो गया सेमी वेरिएबल। तो बी वेरी क्लियर, इस चैप्टर में उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आप तो बस वेरिएबल फिक्स को थोड़ा सा ध्यान रखो, वो जनरली ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। सेमी वेरिएबल वाला आपने वेरिएबल में टिका दिया फिक्स में टिका दिया कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और 80% ऑफ टाइम अपने दो हेडिंग से क्वेश्चंस में काम चल जाएगा, वन इज फिक्स अनदर इज वेरिएबल। अब क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान सा है, बस कॉस्ट शीट बनाई, पहले हेडिंग लगा दिया फिक्स कॉस्ट, 5-6 कॉस्ट जो भी है लिख दी, फिर वेरिएबल कॉस्ट वो लिख दी, टोटल लगा दी, और टोटल लगाने के बाद नंबर ऑफ सर्विस यूनिट से डिवाइड किया, कॉस्ट पर यूनिट आ गई। कई बार क्वेश्चन सेलिंग प्राइस भी पूछ लेगा, तो वही टोटल कॉस्ट निकाल ली, प्रॉफिट जोड़ दिया, सेल्स आ गई, फिर डिवाइडेड बाय सर्विस यूनिट्स आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, वापस वही लिखा हुआ है, अगर वो टाइम से है तो फिक्स में ले लो, अगर वो किलोमीटर्स पे या उस पर है तो कहाँ ले लो वेरिएबल में। इंटरेस्ट का खर्चा, इंटरेस्ट फाइनेंस चार्जेस शैल बी प्रेजेंटेड इन कॉस्ट स्टेटमेंट एज अ सेपरेट आइटम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। याद आया भाई, कॉस्ट शीट में भी ऐसा ही कुछ था, एक आध क्वेश्चन में आया था ना इंटरेस्ट का कॉस्ट, तो मैंने आपको कहा था कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के बाद अलग से ऐड करना है। ओके, इन जनरल इंटरेस्ट इज फिक्स्ड अनलेस अदरवाइज, या ना ऐसे फिक्स ही होता है, पर अपन तो झगड़े में क्यों पड़े, टोटल कॉस्ट निकाल दी उसके बाद ऐड इंटरेस्ट कॉस्ट अलग से जोड़ दो। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर
टू AXA पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रनिंग 5 buses. हाँ, बस भी एक नहीं, कितनी है भाई? 5. बिटवीन टू टाउन्स विच आर 40 kilometers अपार्ट. मतलब दोनों टाउन्स के बीच का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है. मतलब जाने का भी 20, वापस आने का भी 20, या दोनों मिला के 20. है जी. तो जब ये लिखा होता ना भाई, टू टाउन्स 40 किलोमीटर्स या कितना 20 किलोमीटर्स अपार्ट, मतलब दोनों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है. तो जाने 40 लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन? हाँ सॉरी, 40. तो जाने का 40, वापस आने का भी 40, मतलब एक बार जा कर के आएंगे 80 किलोमीटर. सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 40 पैसेंजर्स. बस में 40 जने बैठ सकते हैं. फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम देयर बुक्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. सैलरी ऑफ ड्राइवर, क्लीनर, सुपरवाइजर, डीजल एंड अदर ऑयल, रिपेयर, मेंटेनेंस, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट. एक्चुअल पैसेंजर्स कैरिड वर 75% ऑफ सीटिंग कैपेसिटी. नाउ बस में कैपेसिटी तो 40 की है, पर पैसेंजर होते कितने हैं? 75% ही. यानी कि मैं पैसेंजर किलोमीटर जब, हाँ ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाला कहाँ क्वेश्चन हो गया, तो किलोमीटर्स इनटू पैसेंजर्स, तो पैसेंजर किलोमीटर्स में 40 का 75% ही काउंट करूँगा. नाउ ऑल बस रैन ऑन ऑल डेज फॉर अ मंथ. मतलब ऑल डेज, कोई संडे हॉलीडे नहीं. ईच बस मेड 1 round trip पर डे. राउंड ट्रिप का मतलब होता है एक बार जाकर के वापस आना, दैट इज कॉल्ड एज राउंड ट्रिप. ओके, हाँ सिर्फ जाओगे तो वो क्या हो गया? सिंगल ट्रिप. वापस आ गए तो राउंड ट्रिप. हर बस दिन में 1 round trip करती है. ओके, अब समझिए, मान लीजिए टाउन ए से टाउन बी कितना किलोमीटर है? 40 किलोमीटर. जाते वक्त कितने पैसेंजर होंगे? 40 का 75%, यानी कि 30 पैसेंजर्स. ठीक है, गई बी में, फिर वापस आएगी 40 किलोमीटर. हाँ, वापस आते वक्त पैसेंजर होंगे क्या भाई? थोड़े बहुत होंगे, अब थोड़े या बहुत है जी. हाँ, विल ऑलवेज अज्यूम सेम पैसेंजर्स वापस आते वक्त भी, क्योंकि क्वेश्चन लिखा है सीटिंग कैपेसिटी 40 जनों की है एंड एक्चुअल पैसेंजर्स कैरिड वर 75% ऑफ सीटिंग कैपेसिटी. भाई टाउन ए से बी गई, ये नहीं पैसेंजर्स के साथ सीटें भी उतार दी उधर. ठीक है, अब सीटिंग कैपेसिटी नहीं थी तो आएंगे कहाँ से? तो सीटें थी तो पैसेंजर भी वापस होंगे. बट सुनो भाई, यही क्वेश्चन अगर मान लीजिए आ जाए कि कंपनी के पास ट्रक है जो ग्राहकों को फिनिश गुड्स डिलीवर करके आती है, तो जाते वक्त तो टन्स होंगे, वापस आते वक्त 0 होंगे. ओके, तो बी वेरी केयरफुल इन रीडिंग द क्वेश्चन. हाँ, पैसेंजर्स वाले में तो मान के चलेंगे. ठीक है, हाँ. और यही, अब सुनो एग्जांपल, स्कूल बस है. ठीक है, हाँ, आप कहेंगे सुबह बच्चों को छोड़ने आई, फिर हाँ वहीं रुक जाएगी भाई, दोपहर को वापस लेके आ जाएगी. और एक एक नहीं, वापस घर आ जाती है वो तो अपने, फिर वापस दोपहर को लेने जाता है. तो किलोमीटर तो जाने का, आने का, फिर दोपहर वापस जाने का, फिर वापस आने का, पर स्टूडेंट 2 बार ही होंगे. ओके, तो बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और किलोमीटर्स और पैसेंजर्स उसके हिसाब से लेने हैं. मान लो क्वेश्चन कह देता वापस आते वक्त 9 पैसेंजर्स, तो उस केस में वापस आते वक्त बी से ए में 0 पैसेंजर्स होंगे. क्यों? देखिए, मेरे पैसेंजर किलोमीटर्स चेंज हो जाते हैं. अब अगर एक ट्रिप दिन में किया तो जाते वक्त 30 × 40, वापस आते वक्त 0 × 40, और एक हो 30 × 40, तो पैसेंजर किलोमीटर सीधे क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं. अच्छा, अब देखिए, आप कहेंगे 0 × 40 तो फिर 0 ही हुआ ना? ऑफकोर्स 0 हुआ. क्या कर रहे हो भाई, इधर ध्यान दो. तो आप अंडरस्टैंड, तो आप कहेंगे फिर पैसेंजर किलोमीटर कम होंगे तो रेट बढ़ जाएगी, बढ़नी ही चाहिए. मान लीजिए एक बस का चक्कर काटने का 10,000 रुपये लगता है,
एक तो है कि 30 पैसेंजर जाते वक्त भी होंगे, 30 पैसेंजर वापस आते वक्त भी होंगे, तो आपको 10,000 रुपये 60 जनों से वसूल करने हैं। और एक है कि नहीं, सिर्फ जाते वक्त ही होंगे तो वसूली सिर्फ 30 जनों से करनी है, तो पैसेंजर किलोमीटर जैसे ही कम होंगे ऑटोमेटिकली आपकी रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज़, वो 30 जनों से वसूली करने वाली हो जाएगी। तो यहाँ पे अब कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो सेम वही 30 पैसेंजर वापस आते वक्त भी, तो पैसेंजर किलोमीटर्स कितने हो जाएंगे, 13 to 40, 13 to 40। ये एक ट्रक का, सॉरी एक बस का एक ट्रिप का हुआ। हाँ, बसें कितनी है, 5, और दिन में कितनी ट्रिप करती है, एक ही करती है। हाँ, अगर मान लो दिन में 5 ट्रिप करती है भी, तो ये इंटू 5 और होता, ठीक है। और एक साल का है, एक महीने का है भाई, क्वेश्चन में डिटेल सब एक महीने की दी है, तो एक महीने के बाय डिफॉल्ट 30 डेज से हम क्या करेंगे, पूरे पैसेंजर किलोमीटर्स कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करो भाई, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ पैसेंजर किलोमीटर्स, कैलकुलेशन ऑफ पैसेंजर किलोमीटर्स। तो देखिए भाई, 40 किलोमीटर्स जाने का इंटू 2। हाँ, ये इंटू 2 क्यों किया, वापिस आने का, ठीक है, इंटू कितने लोग, 40 पैसेंजर्स इंटू 75%। क्लियर भाई, एक साथ ही कैलकुलेशन कर लेना, इतनी इतनी मेहनत थोड़ी करेंगे हम। ये एक दिन का हुआ, एक ट्रिप का, एक बस का, इंटू 5 बसेस इंटू 30 डेज, 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। हाँ, ये थोड़ा आसान वाला है क्वेश्चन। अगर ये कह देता कि जाते वक्त तो 30 जने होते हैं, वापस आते वक्त 40 जने होते हैं, तो मैं दो पार्ट में कैलकुलेशन करता, आउटवर्ड जर्नी का अलग, रिटर्न का अलग। क्योंकि आउटवर्ड का फिर क्या होता है, 40, हाँ, फिर इंटू 2 नहीं करते भाई, 40 × 40 पैसेंजर्स इंटू दिस, वापस आते वक्त 40 × 40 पैसेंजर्स इंटू दिस भाई। वो अभी तो ऐसे एक, क्योंकि आते जाते वक्त सेम पैसेंजर है, इसलिए सीधा क्या कर दिया, इंटू 2 कर दिया। या ऐसे समझ लो, एक बार इंटू 2 नहीं किया, आप कहेंगे ये जाने का हुआ, फिर वापस इंटू 2 कर दिया, क्या हो गया, वापस आने का, क्योंकि जाने का और आने का पैसेंजर किलोमीटर्स क्या है, सेम है, तो इसलिए सीधा इंटू 2 कर दिया। पर हैड इट बीन पैसेंजर्स अलग अलग होते, तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा, अलग अलग। और तो और क्वेश्चन ये भी कह सकता है, बस नंबर 1 में इतने होते हैं, 2 में इतने होते हैं, 3 में इतने, 4 में इतने, 5 में इतने, तो सबका क्या करते हैं, अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं। ओके, हाँ, अगर सेम दिया हुआ है, दिस इज द वे कैलकुलेशन नीड्स टू बी शोन। ये नहीं एक पूरी लंबी सी थोड़ी रामायण बनाए अपन, बस ये सीधा लिख दिया, दैट इज इनफ। अब शुरू करिए भाई, सर्विस कॉस्ट शीट। स्टैंडिंग चार्जेस ऑब्लिक फिक्स कॉस्ट। अब आप कहेंगे इसमें तो कुछ वेरिएबल फिक्स के बारे में बोला ही नहीं है, तो देखिए, जो प्योरली वेरिएबल वाले खर्चे होते हैं उसको हम कहाँ ले लेंगे, वेरिएबल में। जो प्योरली फिक्स होते हैं वो कहाँ ले लेंगे, फिक्स में। और जो दोनों में से कहीं पे भी जा सकते हैं, जिसके लिए कुछ कहा नहीं है, उसको फिक्स में टिका दो, ठीक है। जैसे अब सैलरी ऑफ ड्राइवर, आपने कहा फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स में, तो सैलरी ऑफ ड्राइवर क्लीनर एंड कंडक्टर्स कितना है भाई, 24,000। सैलरी ऑफ सुपरवाइजर 10,000। हाँ, डीजल एंड ऑयल वेरिएबल है, रिपेयर मेंटेनेंस, हाँ, अपनी इच्छा हो तो सेमी वेरिएबल कैडिंग में भी डाल सकते हो, मना नहीं है, चलो कर लेते हैं, क्वेश्चन थ्योरी में है तो काम ले लेंगे इसमें। टैक्स एंड इंश्योरेंस फिक्स, सो टैक्स एंड इंश्योरेंस कितना है, 16,000। डेप्रिसिएशन कितना, 26,000। और एक इंटरेस्ट का खर्चा भी दिया है। हाँ सुनो भाई, इंस्टीट्यूट ने
थ्योरी में तो ये लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद अलग से जोड़ना चाहिए, ओके, पर क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं जोड़ दिया कि कौन एक बार और टोटल लगाए। भाई जो इंस्टीट्यूट कर रही है मैं वो बता रहा हूँ, ओके, हाँ मतलब अपने पास भी टाइम हो तो अलग से जोड़ दो, और एग्ज़ाम में जनरली टाइम नहीं होता है तो यहीं पे जोड़ दो, नंबर पूरे मिलेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओके। भाई सर्विस सेक्टर है ना, थोड़े फ्लेक्सिबल है कि कोई बात नहीं, इधर उधर जोड़ना तो आई है, ओके। हाँ जी, सो इंटरेस्ट कितना? 20,000, 96,000। बी पार्ट वेरिएबल और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हाँ क्या था भाई? डीजल एंड ऑयल कितना था? 40,000। बस सी पार्ट सेमी वेरिएबल, उसमें रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना? 8,000। बस एक ही खर्चा है भैया। हाँ जी, घूम फिर कैल किया कुछ नहीं है। हाँ टोटल भी कैलकुलेटर पे मत मारना, ये मानते हुए क्वेश्चन में सही होगी। क्वेश्चन में दी हुई है वही काम ले लें। 1,44,000, सो दिस बिकम्स माई टोटल कॉस्ट। हाँ जी, नाउ कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, दैट इज 1,44,000 डिवाइडेड बाई 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर्स, 0.4 पर पैसेंजर पर किलोमीटर। बी वेरी क्लियर, मतलब एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर जाने का 40 पैसा लेंगे, ओके। अब इसको अपन थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं। पैसेंजर आया, क्या साहब मेरे को बस में जाना है बी तक, तो आप कहेंगे ऐसा कितने जने हो? एक जना है। कितने किलोमीटर जाना है? 40 किलोमीटर। एक जने का 1 किलोमीटर का 40 पैसा, तो 40 किलोमीटर का कितना लेंगे उसे? 16 रुपये ले लिए। अब समझिए, एक पैसेंजर से 16 रुपये लिए, बस में कितने जने चढ़े? 30 जने। तो एक बार ए से बी ले जाने के कितने पैसे ले लिए? 480 रुपये। वापस आने के इंटू टू कितना हो जाएगा? 960 रुपये। एक बस एक दिन में आपको कलेक्शन करके देगी। कितनी बसें? 5 बसें। कितने दिन तक? 30 दिनों तक। हो गया आपका पूरा कॉस्ट रिकवर। अल्टीमेटली ये जो कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, लॉजिक यही है कि कस्टमर से आप जो वसूली करोगे आपकी पूरी कॉस्ट क्या हो जाएगी? रिकवर हो जाएगी, ओके। या ये तो ठीक है कॉस्ट पे था, ये अगर प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस भी निकालते हैं तो भी लॉजिक वही होगा, इतना प्रॉफिट आपका अर्न हो जाएगा, क्लियर। और ये अगर क्वेश्चन कह देता वापस आते वक्त बस खाली रहती है, तो वापस आते वक्त बस खाली रहती है तो मैं यहाँ पे अलग अलग कैलकुलेशन करता जाने का, इतना वापस आने का अपन, ये तो आउटवर्ड हो गया। इनवर्ड में क्या लिखते हैं कि 40 किलोमीटर बस वापस आएगी इंटू 0 पैसेंजर, ये वाला 0 हो जाएगा पैसेंजर, इंटू 5 बसें, इंटू 30 दिन, ये तो 0 ही रहेगा। और ये 360 की जगह कितना हो जाएगा? 180। टोटल पैसेंजर किलोमीटर ही मेरे कितने हो जाएंगे? 1,80,000। तो यहाँ पे जब 180 करूँगा तो ये रेट 40 की जगह कितनी हो जाएगी? 80 पैसे। भाई सिंपल है, एक बार जा कर के वापस आती है 960 रुपये इकट्ठे होने चाहिए। पहले तो आप कहेंगे 30 और 30, 60 जो से वसूल करना था, ठीक है, अब सिर्फ जाते वक्त ही वसूली करनी, क्योंकि वापस आते वक्त खर्चा तो लगेगा पर वसूल किससे करेंगे? तो होता है ना, आप कार टैक्सी हायर करो, आपने कहा मेरे को यहाँ से जयपुर जाना है और वहाँ पे उतर जाऊँगा, तो टैक्सी वाला क्या बोलता है कि वापस मेरे को जोधपुर आने तक का जो खर्चा लगेगा वो भी क्या करूँगा? आपसे ही लूँगा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई, क्योंकि उस वक्त उसको खर्चा तो लगेगा पर पैसेंजर्स कुछ होंगे नहीं, तो दैट वे। अब आप 16 की जगह कितने लोगे भाई? 32 रुपये इंटू 30, अपने आप ही सीधा कितना हो जाएगा? 960। तो एक ट्रिप के 960 रुपये मिलेंगे इंटू 5 बसें इंटू 30 दिन, 1,44,000 इज कवर्ड, क्लियर। अच्छा अब आप कहेंगे जाते वक्त 30 जने हैं, आते वक्त 20 जने ही हैं, तो मेरे पैसेंजर किलोमीटर चेंज होंगे, तो आप कहेंगे रेट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, या जैसा भी है, तो
तो अब आपके मन में ये भी आ सकता है, फिर जाते वक्त तो 30 जने हैं, वापस आते वक्त 20 जने हैं, तो रेट तो हमने बढ़ा दी, बेचारे जाने वाले 30 जने हैं तो भी वो ज़्यादा दे रहे हैं। अब जो भी हो, जाते वक्त ज़्यादा है, वापस आते वक्त कम है, या तो हम रेट अलग अलग कोट करें। फिर तो मैं क्या करूँगा, इस कॉस्ट शीट के दो पार्ट कर दूँगा कि 1,44,000 में जाने का खर्चा इतना, वापस आने का इतना, फिर जाने वाले कस्टमर अलग, वापस आने वाले अलग, तो रेट ही दोनों की अलग अलग आ जाएगी। पर ऐसा तो चलता नहीं है भाई, जनरली क्या होगा, यहाँ से जाने का जितना फेयर है, वापस आने का भी सेम होना चाहिए। तो सेम है तो एक तरह से वो वाली बात हो गई, वापस आते वक्त अगर कस्टमर कम है तो उनकी डेफिशिएंसी भी कौन बियर करेगा, जाते वक्त सबकी एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, अपने को चिंता नहीं करनी, अपने तो पैसेंजर किलोमीटर निकाले, रेट निकाले ही, काम खत्म, अपने आप ही वो रेट जो है वो चेंज होकर के आएगी। जैसे मटेरियल लेबर में था ना, नॉर्मल आइडल टाइम, नॉर्मल वेस्टेज, तो अपने आप ही रेट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज। यहाँ पे भी अब आप कहेंगे 100% नहीं, 75% लोग ही बैठे रहते हैं, तो अपने आप ही पैसेंजर किलोमीटर कम आए तो रेट ऑटोमेटिकली क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। रीमिक्स लिमिटेड मेक्स रेडी मिक्स्ड सीमेंट एंड ऑपरेट्स अ स्मॉल फ्लीट ऑफ व्हीकल्स विच डिलीवर्स द प्रोडक्ट टू कस्टमर्स विद इन इट्स डिलीवरी एरिया। तो रेडी मिक्स सीमेंट, हाँ आप लोगों ने वो देखे होंगे ना, कुछ ट्रक्स जिसमें वो घूमता रहता है, मतलब रेडी मिक्स सीमेंट होती है, उसके अंदर सीमेंट मिक्सचर सब मिला हुआ ही होता है, बस सीधा साइड पर आया लगा दिया, मतलब मिक्सिंग करने की ज़रूरत नहीं, उसके अंदर वो जो भी पानी सीमेंट मिट्टी सब मिली हुई रहती है। ओके, तो ये रेडी मिक्स है क्या, हुआ गूगल कर लेना भाई, एंड ऑपरेट्स अ स्मॉल फ्लीट ऑफ व्हीकल्स, और उसमें वो रेडी मिक्स सीमेंट जो भी उसके कस्टमर्स हैं वहाँ पे डिलीवर करती है। तो बी वेरी क्लियर, जाते वक्त तो सीमेंट होगी, वापस आते वक्त खाली होगी। अब गाड़ी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, नंबर ऑफ जर्नीज ईच डे, एक दिन में 6 चक्कर काटती है, 4, 2, 2, 1, एवरेज टन्स कैरिड टू कस्टमर, एक बार में कितने टन होते हैं, 4, 4, 5, 6 और 6, हाँ पर ये टन जाते वक्त ही होंगे, वापस आते वक्त 0। एवरेज डिस्टेंस टू कस्टमर इन माइल्स, आया किलोमीटर नहीं होकर के माइल्स है, तो अपने टन किलोमीटर्स के बजाय टन माइल्स हो जाएगा, 10, 20, 40, 30 और 60। हाँ सर, डिस्टेंस का मतलब क्या है, वन वे या टू वे, हमेशा डिस्टेंस का मतलब वन वे, कि 10 किलोमीटर जाने का, वापस 10 किलोमीटर आने का। देर आर 5 व्हीकल्स ऑपरेटिंग 5 डेज अ वीक फॉर 50 वीक्स इन अ ईयर। हाँ जी, तो 5 गाड़ियाँ हैं, 5 दिन एक हफ्ते में चलती है और 50 हफ्ते तक चलती है। इन्फ्लेशन कैन बी इग्नोर्ड, तो हम कौन सा जबरदस्ती लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट डेटा इंक्लूड्स ड्राइवर्स वेजेस 150 ईच पर वीक, सुपरवाइजर रिलीफ ड्राइवर वेज 200 पर वीक। आप कहेंगे रिलीफ ड्राइवर क्या होता है, वो एडिशनल भाई, कोई छुट्टी मार ले तो उस दिन ये जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस विथ नील रेसिडुअल वैल्यू, लोडिंग इक्विपमेंट 1 लाख का है, लाइफ 5 साल। व्हीकल्स ऑल मतलब सारी गाड़ियाँ मिला करके कितने की है, 30,000 की, लाइफ 5 साल। पेट्रोल ऑयल कॉस्ट 20 पैसा पर माइल, रिपेयर कॉस्ट 7.5 पैसा पर माइल, अच्छा जो पर माइल दिया है वो सब क्या हो गया, वेरिएबल। व्हीकल लाइसेंस कॉस्ट 400 पर एनम फॉर ईच व्हीकल, तो इनटू कितनी गाड़ियाँ भाई, 5। इंश्योरेंस कॉस्ट 600 पर एनम फॉर ईच व्हीकल। टायर कॉस्ट 3,000 पर एनम इन टोटल, ठीक है, मतलब छों गाड़ियों का इकट्ठा है। मेंटेनेंस कॉस्ट 13,500 पर एनम इन टोटल। मिसलेनियस कॉस्ट 2,250 पर एनम इन टोटल। वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड रेट पर टन माइल ऑफ ऑपरेटिंग द व्हीकल्स। हाँ, पहला काम क्या है भाई, टन माइल्स कैलकुलेट करना। अच्छा, इसमें 5 गाड़ियाँ हैं, 5ों का अलग अलग होगा, क्यों कि सबके माइल्स अलग अलग हैं। अच्छा, जाते वक्त तो टन्स होंगे, वापस आते वक्त 0 टन्स होंगे, तो वापस आते वक्त की कैलकुलेशन ही क्यों करूँ जब मालूम है 0 ही है। मैं सिर्फ यहाँ पे आउटवर्ड जर्नी वाला ही लूँगा। शुरू करिए, कैलकुलेशन ऑफ टन माइल्स।
हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ टन माइल्स। आउटवर्ड थोड़ा सा ये कैलकुलेशन ऐसे लिख लेते हैं, व्हीकल नंबर, ठीक है, फिर हाँ नंबर ऑफ जर्नीज, हाँ टन्स, माइल्स, ओके, तो टन माइल्स, हाँ ये एक दिन की है ना भाई, तो ये टन माइल्स कौन सी आ जाएगी, पर डे। हाँ तो गाड़ी नंबर एक कितनी चक्कर काटती है भाई, 6 बार जाती है वापस आती है, अपन सिर्फ जाने वाले का कैलकुलेशन कर रहे हैं, हर बार कितने टन होते हैं, 4 टन होते हैं, और कितने माइल्स, 10 माइल। तो समझिए फर्स्ट ट्रिप 4 टन लेकर के 10 माइल गई, तो 4 टन 10 माइल कितना हो गया, 40 टन माइल्स, और ऐसा दिन में कितने चक्कर काटती है, 6 चक्कर काटती है, तो एक दिन के कितने टन माइल हो गए, 240। व्हीकल नंबर टू, 420। व्हीकल नंबर थ्री, 2540, 400। व्हीकल नंबर फोर, 2630, 360। व्हीकल नंबर फाइव, 1660, 360। तो ये मेरा टन माइल्स पर डे हो गया। हाँ तो एक दिन में ये पांचों गाड़ियां जब आउटवर्ड जर्नी में जाती है, इतने टन, इतने माइल्स, इतने चक्कर, तो है ना 1680 मल्टीप्लाइड बाई 1680 ना मल्टीप्लाइड बाई 5 डेज इंटू 50 वीक्स, क्यों मल्टीप्लाइड बाई 5 डेज करते एक वीक का आ गया, और फिर 50 वीक कर दिया तो ये टोटल आ गया 4,20,000 टन माइल्स पर एनम। हाँ और रिटर्न में कितना होगा भाई, रिटर्न में 0। मेहनत ही क्यों करो, क्यों क्या आप चाहे 1, 2, 3, 4, 5 लिखो, यहाँ पे तो क्या होगा 0। अच्छा एक 0 अगर आ गया तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर तो 0 ही रहेगा, सो 4,20,000 टन माइल्स। अब एक वर्किंग नोट और बनाना पड़ेगा कि जो पेट्रोल का खर्चा है वो टन माइल्स पे नहीं लगता है, वो किस पे लगता है, माइल्स, किलोमीटर्स जो भी है, तो आपको माइल्स तो जाते वक्त भी थे, वापस आते वक्त भी थे, भैया नहीं वापस आते वक्त तो गाड़ी बंद कर देंगे, धक्का लेके ले आएंगे, ओके, फ्यूल का खर्चा उस वक्त भी लगेगा, तो किलोमीटर्स का कैलकुलेशन मतलब माइल्स का कैलकुलेशन एक और अपने को करना रहेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ माइल्स, हाँ जी, तो व्हीकल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, हाँ एक बार में, हाँ उसमें समझ लीजिए टन्स की ज़रूरत ख़त्म, आप कहेंगे 6 जर्नी करी 10 माइल की और वापस भी आना पड़ेगा, ओके, तो व्हीकल नंबर 1 आप कहेंगे कि 10 माइल्स इंटू 2 मतलब वापस आने का इंटू कितनी जर्नी है, 6 जर्नीज इन अ डे। तो देखिए गाड़ी नंबर एक 10 माइल गई वापस आई, और ऐसा दिन में 6 चक्कर किए तो एक दिन के कितने किलोमीटर हो गए भाई, 120। व्हीकल नंबर 2 20 माइल्स इंटू 2 इंटू 4 जर्नीज 160। व्हीकल नंबर 3 40 माइल्स इंटू 2 इंटू 2 जर्नीज 160। व्हीकल नंबर 4 30 माइल्स इंटू 2 इंटू 2 जर्नीज 120। व्हीकल नंबर 5 हाँ जी 60 माइल्स इंटू 2 इंटू 1 जर्नी 120। टोटल कितने माइल्स हो गए, इंटू 5 डेज इंटू 50 वीक्स, तो ये आपके टोटल पर एनम के माइल्स आ जाएंगे। तो साल भर में गाड़ियां कितना किलोमीटर चलेगी वो आ गया।
हाँ जी, ये हो गया 680 इंटू 5 इंटू 50, 17 170,000। तो पेट्रोल डीजल का खर्चा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था तो अपन ने किलोमीटर्स, हाँ यहाँ इस क्वेश्चन में किलोमीटर्स नहीं, क्या है, माइल्स है, तो माइल्स अलग कैलकुलेट कर लिए और टन माइल्स अलग से कैलकुलेट कर लिए। ओके, हाँ अब बनाओ भाई सर्विस कॉस्ट शीट। सबसे पहले ड्राइवर्स सैलरी, हाँ 150 पर वीक है, इंटू 50 इंटू 5 भी करना है क्या, 5 गाड़ियों का मतलब, ये 150 रुपये 5 ड्राइवर की है कि एक ड्राइवर की है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से मिलेगा। ड्राइवर्स वेजेस 150 ईच, मतलब एक ड्राइवर 150 रुपये का और 5 गाड़ियां हैं तो मान के चलेंगे 5 ड्राइवर चाहिए है जी, हाँ तो इंटू 5 ड्राइवर्स इंटू 50 वीक्स 30, देन वो रिलीफ ड्राइवर या सुपरवाइजर उसका कितना है भाई, हाँ 200 इंटू 50 वीक्स, हाँ इसमें इंटू 5 नहीं होएगा, 10,000। डेप्रिसिएशन लोडिंग इक्विपमेंट कितना, 1,00,000 है, लाइफ 5 साल 20,000 रुपये, लाइफ, अच्छा ये सारी गाड़ियों का मिला करके है, नहीं तो इंटू 5 कर देते तो ये हो गया अपना 26,000। हाँ जी, पेट्रोल वेरिएबल में जाएगा, रिपेयर अब 7.5 पर माइल दिया हुआ है तो इसको भी कहाँ डाल सकते हो, वेरिएबल में। फिर हाँ लाइसेंस कॉस्ट 400 पर एनम पर व्हीकल है तो इंटू 5 2,000 रुपये, हाँ लाइसेंस के बाद इंश्योरेंस कितना है भाई, 600 पर एनम पर व्हीकल इंटू 5 3,000। हाँ अब टायर का हम चाहें तो सेमी वेरिएबल में डाल सकते हैं, हाँ इधर भी डालो तो मना नहीं है, मेंटेनेंस चाहें तो इधर नहीं तो सेमी वेरिएबल, हाँ फिर क्या है मिसलेनियस कॉस्ट, हाँ वो तो इधर आ ही जाएगा मिसलेनियस कॉस्ट, हाँ बोलो भाई 2,250 पर एनम इन टोटल, सेवन 50, देन वेरिएबल, हाँ जी पेट्रोल ऑयल, हाँ अपन ने निकाल लिया भाई कितना, 1,70,000 माइल्स है साल भर के और 20 पैसा पर माइल है इंटू 0.2 34,000, हाँ
रिपेयरिंग, हाँ रिपेयरिंग को भले अपन सेमी वेरिएबल में भी ले जा सकते हैं, ओके तो चलो उसको उधर ही डालेंगे। अब रिपेयर्स, मेंटेनेंस, टायर्स, ये तीन सेमी वेरिएबल में। हाँ मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप रिपेयर को इस क्वेश्चन में यहाँ ले सकते हो और जो टायर और मेंटेनेंस है उसको ऊपर भी ले सकते हैं, ओके। हाँ सी पार्ट सेमी वेरिएबल रिपेयर्स, हाँ 1,70,000 माइल्स इंटू 7.5 पैसे है ना, 7.5 पैसे का मतलब 0.75 नहीं होता, वो 75 पैसे हो जाता है, 0.075, ओके तो 0.075 12,750। टायर का खर्चा कितना है भाई, 3,000 पर एनम इन टोटल, तो पूरा का पूरा 3,000। टायर के बाद मेंटेनेंस कितना, 13,500। हाँ कितना ये वाला, 29,250। हाँ तीनों की जोड़ लगा लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, 1,44,000। हाँ जी उसके बाद कॉस्ट पर टन माइल, 1,44,000 डिवाइड बाई 4,20,000 माइल्स, टन माइल्स, 0.34 पर टन माइल। होमवर्क फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।